हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आ गई हूँ नहाकर और आज हमें जाना है कहीं बाहर और मैंने अपने काम सभी फिनिश कर लिए हैं। बाहर जाना है तो रेडी होना तो बनता है। रेडी होने के लिए हम चलते हैं साथ में और उससे पहले मैं पीऊँगी चाय। बट चाय पीने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं क्लोथ्स चेंज कर लूँ, इसलिए मैंने पहन लिया है ये रेड कलर की पैंट और इसके साथ मैं पहनूंगी रेड एंड वाइट कलर का टॉप जो कि ड्रेस टाइप का है, काफ़ी लूज़ है और अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ चल रही हैं तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाली रेड पैंट इसके साथ पूरी तरह पेयर कर रही है, बहुत ही फ्लेयरी सा इसका लुक है। और अब हम करेंगे मेकअप। बट मेरी चाय ठंडी होने लगी थी तो इसलिए मैं चाय पीने के लिए बैठ गई हूँ। चाय पीते पीते मैं देख रही थी टीवी और चाय के साथ आज मैंने खाई चिप्स। चाय पीने के बाद सिर्फ एक ही काम बच गया था जो कि था बर्तन को साफ करना, इसलिए मैंने फटाफट से बर्तन भी सभी साफ़ कर दिए थे। और बर्तन साफ़ करने के बाद मैं आ पहुंची हूँ अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने फेस को और मॉइस्चराइज़र मैंने पहले ही अपने हाथों पर लेकर रब कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर लगा लूँगी क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सभी सीज़न में हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र को मैं अपने नेक एरिया पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं ले रही हूँ VLCC का सनस्क्रीन जो कि हमारी सभी की स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली समर्स में हमारी स्किन बर्न हो जाती है, रेड हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, इसीलिए हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। और 3 डॉट ऑफ लेयर के मेथड से मैं अपने फेस पर सनस्क्रीन को लगा रही हूँ। अच्छे से रब करूँगी मैं अपनी स्किन पर। सनस्क्रीन के बाद मैं मोस्टली BB क्रीम या CC क्रीम लगा लेती हूँ, बट आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं लेने वाली हूँ लोटस की ऑरेंज लिपस्टिक जो कि आज मेरे ड्रेसिंग के साथ सूट करने वाली है और इसको मैं हल्का हल्का ही लगाऊंगी। ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाना मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं हल्के कलर ही यूज़ करती हूँ। और मैं इसको अपने चिक्स पर भी लगा लूँगी, नोज पर भी लगा लूँगी और साथ ही मैं आज इसे अपने आईज बॉल पर भी लगा लूँगी आई शेडो की तरह, क्योंकि मुझे नाइस ग्लोई लुक चाहिए अपने फेस पर विदाउट एनी मेकअप। सो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने हैंड्स की हेल्प से, उंगलियों की हेल्प से मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर ताकि ये ज़्यादा ही अजीब ना लगे या एक जगह पर टिका हुआ ना लगे, अच्छे से फैल जाए मेरे फेस पर ताकि ये नेचुरल लुक दे पाए। फेस जब ऐसे अच्छे से ग्लो करता है बिना मेकअप करे ही तो बहुत खुशी मिलती है। और अब मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल जो कि ब्राउन कलर में मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ब्लैक कलर काफ़ी केकी लगता है, बहुत ही अननेचुरल लगता है, इसलिए मैं डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करती हूँ अपने ब्रोस के लिए। और मैं इसको अपने आईब्रो के पेंसिल में जो ब्रश आता है उसकी हेल्प से साथ ही ब्रश भी कर लूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा नेचुरल लुक दे और भी ज़्यादा फेस पर सूट करे। आईब्रो करने के बाद फेस काफ़ी शेप में लगता है इसलिए मैं डेली बेसिस पर भी अपनी आईब्रोज़ को पेंसिल करती हूँ। और देखिए आप मेरी आईब्रोज़ कितनी शेप में लग रही हैं।
और कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लुक देती हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी मेबलिन का मस्कारा, जो कि मेरा फेवरेट मस्कारा है अभी। इससे पहले मैं येलो कलर वाला मेबलिन का ही यूज़ करती थी, वो भी काफ़ी अच्छा बाउंस देता है आईलैशेस को। मस्कारे को अच्छे से मैं अपनी आईलैशेस पर कवर कर लूँगी, अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि आज मैं किसी भी तरह का मेकअप यूज़ नहीं कर रही हूँ अपनी आंखों पर। ना ही मैं लाइनर लगाने वाली हूँ, ना ही मैं काजल लगाने वाली हूँ, इसलिए मस्कारे से ही मुझे इसको सेट करना होगा। मस्कारे को मैंने अपनी आईब्रोज़ पर भी थोड़ा थोड़ा लगा लिया है। सो मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज नेचुरल ग्लोई मेकअप करना था, तो मैंने आज सिंपल सा 2-3 प्रोडक्ट से ही मेकअप किया है अपना। आपको कैसा लग रहा है आप प्लीज़ बताइएगा, मुझे खुशी होगी आपका रिव्यू जानकर। मेकअप कंप्लीट होने के बाद अब मैं पहनूंगी एक्सेसरी, और एक्सेसरी में मैंने लिए हैं इयररिंग, सनग्लासेस एंड क्लेक्चर, जो कि मेरी ड्रेस के मैच का है। सो मैं होकर रेडी दिखती हूँ आपको, अब कैसी लगने वाली हूँ आप बताइएगा। मैंने पहन लिए हैं अपने इयररिंग, जो कि वाइट कलर के पर्ल में हैं। बहुत ही ओल्ड लुक दे रहे हैं ये, आपने देखा होगा पहले हीरोइनें ऐसे ही पहनती थी, मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इनको लिया था। सो आज इनका काम आ ही गया। साथ ही मैंने ये कड़ा पहना है, और उसके बाद मैंने पहना है ये वॉच, और मैं आपको क्लेक्चर भी दिखा देती हूँ। मेरा क्लेक्चर लग रहा है कुछ ऐसा, कैसा लग रहा है आप बताइएगा। और अब बारी आती है फुटवेयर की। फुटवेयर में मैं ये वाइट कलर की स्लीपर अपनी यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं न्यू ही लाई हूँ, और मैं इनको आज पहली ही बार पहन रही हूँ। बट मेरी ड्रेस के साथ कुछ खास लुक नहीं नज़र आ रहा था मुझे इनका, और काफ़ी बोर मैं फील कर रही थी इनको पहनने के बाद, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें चेंज ही कर लूँ। चेंज करने के लिए सेकंड स्लीपर मैं निकालने वाली हूँ, जो कि है रेड कलर में। ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तो, क्योंकि ये फ्लैट में है और मुझे कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आज आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है कि मैं आज क्या ही करने वाली हूँ। सो मैं इनको पहनकर रेडी हो गई हूँ, और रेडी होकर मैं कुछ पोज दे रही हूँ। आप भी देखिए मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी लग रही है ये स्लीपर मेरे पैरों में। और ये है मेरा फुल लुक, आपको कैसी लग रही है मेरी ड्रेस आप बताइएगा प्लीज़। आपका कमेंट और आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देखने में, या आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अब मैं निकलने वाली हूँ घर से बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल करना है अपने लिए। बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रही हूँ स्टॉल की हेल्प से। और मैं इस तरह से अपने स्टॉल को बांधकर हमेशा ही घर से निकलती हूँ, क्योंकि टैनिंग हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं अच्छे से अपने फेस को कवर कर लूँगी। साथ ही मैं पहनूँगी अपने सनग्लासेस, पिंक कलर के सनग्लासेस मैं आज पहनूंगी, क्योंकि मेरी ड्रेस भी पिंक एंड ऑरेंज टाइप की है, और मेरे सनग्लासेस भी पिंक हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बाहर जाने के लिए ये बैग ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है, तो इसलिए मैं अपना बैग में सामान रख के सारा ले जा रही हूँ। और अब हम निकलते हैं घर से बाहर जाने के लिए। सो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार, सो चलते हैं। घर से बाहर मैं निकल आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप दिख रही है यार, डर लगता है बाहर जाने में, बट चलना तो पड़ेगा ही। सो मैं चल पड़ी हूँ पैदल अपने रास्ते पर। मुझे कुछ खास काम नहीं है, बट सामान ज़रूरी था ले जाना, इसलिए मैं ले जा रही हूँ, और मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा आज। सो मैं जाने वाली हूँ कहीं आसपास ही, आपको मैं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। ये सो तो मैं आ पहुँची हूँ एक पार्क में, क्योंकि आज मुझे अपने साथ ही क्वालिटी टाइम बिताने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था, और मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। साथ ही मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप्स भी शूट कर ली हैं, बट मेरा मूड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी और फिर जल्द ही अपना काम निपटा कर घर आ गई। घर में आ गई थी, सीढ़ियों पर चढ़ी तो मुझे दिखी जूली बाहर बैठी हुई है। ये मुझे देखकर यहाँ रुक गई थी, क्योंकि ये ऊपर जा रही थी, मुझे पता है इसकी शरारतों का, और जब मैंने बोला तो ये घर के अंदर भाग गई। ये रबड़ वाली चप्पलें हैं, इसलिए हाथों से उतारनी पड़ रही हैं। अब मैं चप्पलें दोनों की दोनों उतारती हैं और इनको अपनी जगह पर रख देती हूँ। जीने पर वैसे तो चप्पल अच्छी नहीं लगती, बट यही रखनी पड़ती है हमें। तो जूली आ गई है, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जब घर में से कोई बाहर से आता है। और अब हो गई है रात और मैं आ गई हूँ घर पर, तो कपड़े कितने ही अच्छे लग रहे हो, पर घर आकर तो घर के कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। सो आज के लिए बाय बाय।